हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। यहाँ पे तो पंजाब नेशनल बैंक का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, उसी को देखेंगे। यहाँ पे क्वार्टर थ्री में यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का परफॉर्मेंस क्या है, और यहाँ पे एक और चीजें यहाँ पे देखेंगे जो आपको बहुत ही एजुकेट करेंगे किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए। उसकी कंप्लीट स्टडी, उसका पूरा बैकग्राउंड कैसे पता करें, वो चीजें हम आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ज्यादातर लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं करते, ओनली वीडियो देख के चले जाते हैं। हमारे अगर एफर्ट को आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आगे गॉड भी आपके साथ अच्छा करें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ। यहाँ पे हम आ गए हैं screener.in पे। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। कोई भी यहाँ पे जो रिजल्ट आता है एनएसई का स्टॉक हो चाहे बीएसई का, उसका जो रिजल्ट यहाँ पे है वो तुरंत ही यहाँ पे 3 से 4 घंटे में अपडेट कर दिया जाता है। अगर वो टाइम भी आपको नहीं चाहिए तो जाके एनएससी या बीएससी की साइड पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे उसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से मिल जाती हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, अभी जो ट्रेड हो रहा है 50.7 रुपीज के आसपास यहाँ पे इसका शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है। इसका जो मार्केट कैप है 55,826 करोड़ है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, एक चीज भी यहाँ पे आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं सारी चीजें यहाँ पे कर दूंगा। और पूरा जो हिस्ट्री है ना पंजाब नेशनल की, जो बुक बंद है ना, वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पी रेशियो जो है आपको 30.8 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपको ऐसा नहीं देखना है, 30.8 नहीं देखना है, आपको आंख खोल के देखना है कि पंजाब नेशनल बैंक में आखिर चल क्या रहा है। पी रेशियो इतना ज्यादा है, बट क्या पी रेशियो सच में इतना ज्यादा है, ये चीज यहाँ पे आपको देखनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.02, ROCE जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4 point something के आसपास है। यहाँ पे करंट प्राइस हम देख लिए, बुक वैल्यू 88.6 है, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 1.26 है, फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 11.9 है, रुपीज में नहीं है, सॉरी ये चीज के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल का चार्ट हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे। यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ट्रेडिंग व्यू, ओके इंटर मारते हैं, ट्रेडिंग व्यू में क्लिक करते हैं, ये आपका चार्ट खुल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्च में जाना है, यहाँ पे tradingview.com है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। PNB यहाँ पे डाले PNB और ये हमारा खुल गया NSE पे, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करना है और उसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा, उसको screener.in पे यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। 1 year का चार्ट है, ओके फाइन, सब चीजें अच्छे से क्लियर है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं हम screener.in पे। अब पीर कंपेरिजन करते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसमें पंजाब नेशनल बैंक की रैंकिंग क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की रैंकिंग यहाँ पे 3rd स्थान पे है। मार्केट कैप यहाँ पे अच्छा खासा है, 55,825 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे PE तो हम डिस्कस कर ही दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट जो पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे अनाउंस हुआ है उसमें क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सितंबर 2022 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिलता है। अभी सिर्फ जैसा लोग देखते हैं वैसा देखिए, अब फिर इसके बाद हम वैसा दिखाएंगे जैसा लोग नहीं देखते। रिटेल निवेशक की ज्यादातर बात करता हूँ, बाकी FII, DII, HNI तो सारी चीजें यहाँ पे खोल के देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट जो है 496 करोड़ से 715 करोड़ यहाँ पे हो गया है। अब रिटेल निवेशक कैसे देखेगा, रिवेन्यू क्या हुआ, जंप किया,
2000 करोड़, इन्वेस्ट सॉरी इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 12000 करोड़ से बढ़ के 13000 करोड़ यहाँ पे हुआ। इंटरेस्ट जो भी बैंक लेता है, पैसा लेता है तो वो देगा भी, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना हुआ 11578। देखो एक बैंक क्या करता है, एक तो यहाँ पे आपका पैसा लेता है, अपने बैंक में रखता है, उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, और दूसरा एक चीज क्या करता है, बैंक उस पैसे को दूसरे को यहाँ पे लोन पे देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब इसका फाइनेंशियली प्रॉफिट जो है यहाँ पे, फाइनेंशियली प्रॉफिट समझ रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉफिट की बात बोल रहा हूं, -2282 करोड़ के आसपास है। जो चीजें हैं यहाँ पे करोड़ में है, -2282 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल मार्जिन यहाँ पे छोड़ देते हैं, मार्जिन की दिक्कत नहीं है। अदर इनकम जो है इनकी, जो कि इंटरेस्ट आता है यहाँ पे 3325 करोड़ है। कितना है 3325 करोड़, कितना 3325 करोड़। क्या ये जो अदर इनकम है ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2300, 2600, 2800, 2300, 2700, 2800, 2900, 3200, 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
यहाँ पे अदर इनकम में यहाँ पे क्या क्या आते हैं, यहाँ पे अदर इनकम नॉर्मल यहाँ पे जो कि यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक का, डिप्रिसिएशन यहाँ पे जीरो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले प्रॉफिट कितना है 1,043 करोड़, उस पे टैक्सेस इन्होंने कितना दिया 37। यहां पे भी यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा यहां पे पंजाब नेशनल बैंक दे देता है जैसे यहां पे, तो यहां पे देखने के लिए आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट है वो यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और कभी कभी पंजाब नेशनल बैंक जो टैक्स है वो कितना देता है 29%, यहां पे देख सकते हैं 29%, कभी कभी और कम दे देता है। तो हाई जब यहां पे प्रॉफिट सबसे कम था उस टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज्यादा टैक्स यहां पे किया था 48%। तो इस चीज को आप को यहां पे ध्यान रखना है। अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है यहां पे, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो जब 1250 करोड़ का प्रॉफिट 49 करोड़ का आया था तो अर्निंग पर शेयर 1.14 था, अभी अर्निंग पर शेयर गिर गया था यहाँ पे 0.31 हो गया था और उसके बाद 0.64 के आसपास यहाँ पे अर्निंग पर शेयर चल रहा है। अभी तो सिर्फ रिटेल की तरह यहाँ पे आप देखते जाओ, अभी जो लास्ट तक वीडियो में टिकेगा ना उसको मैं बताऊंगा कैसे आपका नजरिया चेंज होता है, आप बुक के अंदर कैसे झांक पाते हो। अब यहाँ पे रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू ईयर वाइज भी सेम ऐसे ही देखना है 76,000 से 81,100। यहाँ पे इंटरेस्ट इनका बढ़ गया और क्या एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो लॉस हुआ, अदर इनकम में यहाँ पे इनको 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2022 में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट जो होता है यहाँ पे बिफोर टैक्स वो 4826, इस ईयर यहाँ पे 2701, 3 क्वार्टर बीत गए हैं, ये चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट इनका 3908 और यहाँ पे 1830 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ। और इन्होंने टैक्सेस कैसे पे किए हैं, सबसे कम देखो, सबसे कम इस ईयर इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेस पे किए हैं और इस फाइनेंशियल में इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्सेस पे किए थे उस फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट सबसे कम था, समझ रहे हो, 56% यहाँ पे किए थे इन्होंने टैक्सेस। तो ऐसे स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है प्रमोटर के द्वारा भी यहाँ पे, क्योंकि ये एंट्री है एक, यहाँ पे कोई चीजें यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। अगर आप 31 मार्च ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उससे पहले अगर कोई चीज को उसके बाद दिखा देते हो, कोई चीज अभी 31 मार्च को बेचनी है तो उसको हम 2 अप्रैल को बेच देंगे तो अगले क्वार्टर में प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चीजें लीगली वैलिड है। बट यहाँ पे ये कंपनी की बदमाशी को दिखाता है। तो कैसे यहाँ पे कंपनी बदमाशी करती है, इस टाइप से यहाँ पे बदमाशी करती है, तो इस चीज से यहाँ पे बचना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को कम कर लेंगी और यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा दे देंगी और दूसरे बार यहाँ पे
प्रॉफिट सबसे ज्यादा आया, टैक्सेस यहाँ पे सबसे कम दिया गया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आते हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पे अब कवर करना चालू करेंगे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इनका क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। रिजर्व यहाँ पे ये भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 95,380 करोड़ प्लस 2200 करोड़ के आसपास, यानी 97,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका रिजर्व है। बोरोइंग कितनी है यहाँ पे इनकी, वन, यहाँ पे बोरोइंग को की बात करते हैं हम, यहाँ पे 12,13,606 करोड़ के आसपास। जब बैंक ग्रो होगा तो उसकी बोरोइंग यहाँ पे बढ़ेगी। बैंक के केस में और यहाँ पे एनबीएफसी के केस में यहाँ पे बोरोइंग इनकी बढ़ती जाती है जब ये एक्सपांड अपने बिजनेस को करते जाते हैं। अदर लाइबिलिटी में यहाँ पे देखिए, लाइबिलिटी भी इनकी बड़ी है, टोटल लाइबिलिटी भी इनकी बड़ी है, और फिक्स एसेट्स यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स एसेट्स में कमी आई है। क्यों कमी आई है, हो सकता है ये अपने फिक्स एसेट को बेच के जो इनका एनपीए है उसको कम किए हों, अपने बैलेंस शीट को क्लीन किए हों, ये भी हो सकता है यहाँ पे, या जो एक्सपेंसेस आए हों उसमें उपयोग कर लिए हों। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जगह यहाँ पे टोटल एसेट यहाँ पे देखते हैं, टोटल एसेट में क्या बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे टोटल एसेट्स में भी इनके बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने यहाँ पे माल यहाँ पे छोड़ा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का की तरफ से बोला भी गया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करना चाह रही है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में। तो किसने खरीदा यहाँ पे, एफआईआई ने नहीं खरीदा, डीआईआई ने खरीदा है। और डीआईआई में कौन खरीदा है ये भी हम बता देते हैं, डीआईआई में कौन खरीदा है यहाँ पे देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे 5% स्टेक उठाई, उसके बाद थोड़ा कम की और उसके बाद कंटिन्यू इंक्रीज करती गई। अभी एलआईसी का जो स्टेक है यहाँ पे इसमें पंजाब नेशनल बैंक में 8.34% है। और इससे देख के आपको डर नहीं लगेगा, ये चीजें आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पे कितनी किस मतलब डीआईआई की होल्डिंग है, तो इससे डर नहीं लगेगा, किसी चीज में कॉन्फिडेंस आपको आएगा ये सब चीज अगर जानोगे तो। तो लाइफ इंश्योरेंस की 8.34% है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1.09%। टोटल डीआईआई में ये कितना होल्ड कर रहे हैं, 9.5% के आसपास यही होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास कितनी है, पब्लिक के पास यहाँ पे 12% है, 6% से धीरे धीरे बढ़ी थी, 14% हुई थी, 14% से अब डिक्रीज हो रही है, वो कितनी हो रही, 12%। तो खरीद कौन रहा है, जब ये बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है, डीआईआई, ये ठीक है 14%, तो खरीद यहाँ पे रहे हैं एफआईआई, पब्लिक का जो होल्डिंग है ये एफआईआई खरीद रहे हैं। डीआईआई तो की तो कांस्टेंट है यहाँ पे 8.34, ठीक है, और 1% इन्होंने डीआईआई में क्वांट भी खरीदा है यहाँ पे। तो पब्लिक से माल खरीद रहे हैं यहाँ पे और ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो जब बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं तो कुछ सोच समझ के करते होंगे, आप कुछ सोच समझ के कर रहे हैं तो क्या सोच समझ के कर रहे हैं वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यही चीज आपको दिखाना चाह रहा था, इसीलिए बोला था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रॉफिट देख लिया, एसेट्स देख लिया, अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात है, बैलेंस शीट क्लीन हो रही है क्या, बताओ पहली बात। ओके, जूम किए, एनपीए प्रॉफिट तो ठीक है, एनपीए अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीए कितना है यहाँ पे इनका, देखो पिछले क्वार्टर कितना था, ये पूरा लाख में है, लाख करोड़ में, तो हमको सॉरी यहाँ पे लैक्स में है, ये लैक्स रुपीज में है और हमको इसको करोड़ रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 87,000 अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीए कितना था इनका, 87,034 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर कितना हुआ, 83,583 करोड़ रुपए। अमाउंट ऑफ नेट एनपीए इनका कितना है, बात किए नेट एनपीए, ग्रॉस तो ठीक है, नेट एनपीए इनका कितना है, जो कि मतलब
मिलने वाला नहीं है, ये चीजें रहती हैं। 29,348 करोड़ का अभी कितना है, 26,363 करोड़ का। ये एनपीए कम कैसे हुआ, जो हमारा एनपीए था ये कम कैसे हुआ, ये अपने प्रॉफिट से क्या किए, यहाँ पे एनपीए को कम किए, एनपीए को क्या किया, अपने प्रॉफिट से कम कर रहे हैं, बैलेंस शीट को क्लीन कर रहे हैं, देख रहे हैं ईयर वाइज हर साल ये क्लीन कर रहे हैं। पिछले साल कितना था यहाँ पे, पिछले साल यहाँ पे कितना था, 33,878 करोड़, ये पिछले का ये है 2021 का, 31/12/2021 का ये है, सॉरी मैं गलती से कर दिया, कितना था यहाँ पे एक मिनट, पिछले साल 33,876 करोड़, अब कितना है, 26,363 करोड़। ये कम क्यों हुआ, ये अपने प्रॉफिट को कम करके एनपीए को क्लीन अप यानी बैलेंस शीट को क्लीन कर रहे हैं, यानी जो इनका एनपीए था वो ये कम अब दिखा रहे हैं अपने प्रॉफिट से घटा के, घटा के जो प्रॉफिट था इनका उसको कम कर करके। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इस क्वार्टर इन्होंने एनपीए कितना कम किया, 29,348 ये आ गया आपका कैलकुलेटर, 29,348 माइनस 26,363, 26,363 ये अपना एनपीए इतना कम किए, यानी 3,000 करोड़ के आसपास ये अपना एनपीए इस क्वार्टर में कम कर लिए हैं। तो ये 3,000 करोड़ आया कहां से, क्या एनपीए से रिकवर हुआ, जो नेट एनपीए यहां पे है उससे तो रिकवर नहीं हुआ, एनपीए में वो चीज रखी जाती है जो लौट के ना आए, तो 3,000 करोड़ एकाएक थोड़ी आ गए, तो इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे अपने एनपीए को कम करने के लिए डाल दिया। तो यहाँ पे 2,985 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट था इनका वो यहाँ पे बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, तो इसको यहाँ पे 3,000 करोड़ प्लस, अब यहाँ पे क्या है जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 3,325 करोड़ प्लस 3,300 करोड़ ले लेते, 25 छोड़ देते हैं, उधर थोड़ा ज्यादा ले लिया था, 85 की जगह 3,000 ले लिया था 2,900, तो यहाँ पे 6,300 करोड़ का यहाँ पे इनको एक क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, और ये अगर 2,282 करोड़ घटा दिया जाए माइनस 2,200 या 2,300 करोड़ घटा दिया जाए, 2,300 करोड़ हमने घटा दिया, तो एक क्वार्टर में 4,000 करोड़ का यहां पे इनको प्रॉफिट हुआ, 4,000 का जब करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो यहां पे एक साल का इनका प्रॉफिट कितना हुआ इंटू 4, 16,000 करोड़ का बैंक को प्रॉफिट एक साल में हो रहा है, बट बैंक कितना प्रॉफिट दिखा रही है, अब देखो ईयर वाइज देखो कितना दिखा रही है, 1,830 करोड़, अब हुआ कितना टोटल, वैसे उस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ऐसे ही प्रॉफिट चलता रहा तो क्या होगा, ये क्योंकि बैलेंस शीट को ईयर वाइज हर ईयर वाइज क्लीन कर रहे हैं इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं, 4,000 करोड़ का एक क्वार्टर में अगर प्रॉफिट हुआ, ऐसे अगर नेक्स्ट 4 क्वार्टर अगर आते हैं और अगर ये एनपीए ना कम करके यहाँ पे प्रॉफिट पूरा दिखा देते हैं तो यहाँ पे एक साल में इनका प्रॉफिट 16,000 करोड़ होगा, तो 16,000 करोड़ जब प्रॉफिट आएगा एक साल में तो यहाँ पे इनका मार्केट कैप कवर होने में कितना टाइम लगेगा, मार्केट कैप को कवर होने में कितना टाइम लगेगा, 55,826 डिवाइडेड बाई 16,000 करोड़ एक 55,826 16,000 3.5 ईयर यहां पे लगेंगे मार्केट कैप को रिगेन करने के लिए, यानी मार्केट कैप के बराबर प्रॉफिट आने में 3.5 ईयर लगेंगे, समझ रहे हैं बात को, ये दिखाता है P
पी रेशियो अगर ऐसी प्रॉफिट पंजाब नेशनल बैंक का आता रहा तो आज की डेट में इसका पी रेशियो अगर ये ना शो करते प्रॉफिट शो कर देते पूरा 4000 करोड़ ऐसे वन ईयर तक तो इनका पी रेशियो 3.48 के आसपास आ जाता और अभी कितना है 30.8। तो डिफरेंस आपको देखना है कहां पे लोचा है, ये चीज यहां पे आंख खोल के देखनी है। तो ये अपने बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए ये अपना प्रॉफिट वहां पे डाल रहे हैं और शो नहीं कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 30 के आसपास है। अब एक चीज और आपको दिखाते हैं, अगर विश्वास नहीं हो तो एक चीज और दिखा देते हैं। आज की डेट में ईयर वाइज इनका प्रॉफिट कितना है 1830 करोड़। कितना? 1830 करोड़। मार्केट कैप 55826 डिवाइडेड बाई 1830 करोड़। अब देखना पी रेशियो क्या सही आ रहा है, 30.5 आ रहा 30.5। यहाँ पे 30.8 है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट अभी हमारा पूरा वन ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ, 3 क्वार्टर का कंप्लीट हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बट 30.5 आ रहा पी रेशियो, ये बताता है कि इतना अगर प्रॉफिट हर साल होता है, इस रेट से अगर प्रॉफिट होता है तो 30 साल लगेंगे कवर होने में। क्या पंजाब नेशनल बैंक को अब 30 साल लगेंगे? जो प्रॉफिट हमारा एक्चुअली में आ रहा है उस प्रॉफिट के हिसाब से 3.5 साल लगेंगे मार्केट कैप को कवर होने में। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए यहां पे जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर कौन हैं? DII, इनको ये बात समझ में आ गई तो इन्होंने 7.82% से स्टेक उठा के अपना 13% कर दिया। और FII को भी यहां पे समझ में आ गया, जो 1% होल्डिंग थी उससे बढ़ा रहे हैं अब ये भी स्टॉक। पब्लिक की होल्डिंग जो 14% हो गई थी उससे यहां पे पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। और ये जो डिक्रीज किए थे होल्डिंग गवर्नमेंट, वो किसके पास आई है? पब्लिक के पास बिल्कुल नहीं आई, पूरी की पूरी यहां पे DII के पास यहां पे आई है। तो पूरा का पूरा जो माल उठाया गया है वो DII के द्वारा उठाया गया है और FII के द्वारा उठाया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे ऐसे आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल की, मतलब फंडामेंटल के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये हमारा था कंप्लीट वीडियो किस पे, पंजाब नेशनल बैंक पे। अब एक बात और आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट हमारा 1 साल का लगा हुआ है, इसको कर देते हैं 5 ईयर। ओके, आप हैप्पी हो, खुश हो? खुश हो कि नहीं हो पहले ये बताओ। खुश होना बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर आप खुश होए तो चीजें बहुत अच्छी कर पाओगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक का लेवल अभी चल रहा है वो कितना है, 50 के आसपास चल रहा है। अब 50 के आसपास चल रहा है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, ओके, अभी तक तो ये नीचे के लेवल पे चल रहा था। अब ये पंजाब नेशनल बैंक ये, ओके, वन मोर लाइन, ओके, ठीक है, दोनों लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब दोनों लाइन हमने जब ड्रॉ किया तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा? एक ये ट्रेंड लाइन पे पहले क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ऊपर गए यहां पे 62 के लेवल पे, फिर आया यहां पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, फिर ऊपर गया और फिर आके यहां पे रुक गया है। तो यहां पे बिग अपॉर्चुनिटी बन रही है यहां पे पंजाब नेशनल बैंक में। बट मैंने कहा ना, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न जरूर करें यहां पे।
तो यहां पे पंजाब नेशनल बैंक का अगर ये 50 का लेवल तोड़ता नहीं है तो यहां से रिबाउंस होके अपसाइड की ओर जाएगा, क्या रिबाउंस होके अपसाइड की ओर जाएगा। और अगर बाय द वे ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना लेता है, यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां पे इपिक पेन ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये अगर कप विथ हैंडल बना लेता है तो इसका जो ब्रेकआउट है यहां पे कहां तक जाएगा उसको भी हम बात कर लेते हैं। इसका जो लो था ये कितना था, 25 रुपए, और कप विथ हैंडल यानी 58-60 रुपए के आसपास इसका ब्रेकआउट होगा। तो 60-25 यानी 35 रुपीज यहाँ पे प्लस जाएगा, यानी 60+35 यानी 95 रुपीज इसका यहाँ पे अगला टारगेट होगा देखो। और 95 रुपीज के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, देख पा रहे हैं आप कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन ₹95 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस भी यहां पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो इस लेवल तक यहां पे पंजाब नेशनल बैंक बाउंस करके जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करके जाइएगा ताकि ऐसे जो इंफॉर्मेशन है आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू।